मैं कल ऑफिस के बाद, ऑफिसर्स एनक्लेव है नियर बाय एम्स, अराउंड 500 से 1 किलोमीटर के, 500 मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास उसका डिस्टेंस है एम्स से। मैं वहाँ पे अपना रूम रेंट देखने गया था, एक रूम रेंट के लिए, और मैं अभी ITR कॉलेज के पास रहता हूँ, तो मैं वापस अपने घर पे आ रहा था देखने के बाद। अराउंड रात के 8 बज रहे होंगे उस टाइम पे, 8:15 का टाइम था। और उसी बीच में वो रास्ता क्या है कि उस पर अंधेरा काफ़ी होता है, और पहले भी वहाँ पे काफ़ी स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग वगैरह और मारपीट वगैरह रिसेंटली अभी हुआ है, पिछले 3 से 4। आपको टमेंडो में पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट लॉज है, जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ है आज तक। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे इतना नहीं पता था कि कुछ लोग मेरा, जब मैं वापस आ रहा था तो दो बाइक पे पीछे कर रहे थे, और मेरे को लगा कुछ नॉर्मली ऐसे सड़क पे आ रहे होंगे, लेकिन फिर वो क्या किए, मेरे को पहले गाली दिए। तो डेफिनेटली अगर कोई गाली देगा तो पूछेगा क्यों दे रहा है। तो मैं रुका और उन्होंने सामने मेरे आके बाइक लगा दिया ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। फिर उन्होंने मुझे बाइक से नीचे उतारा और गाली गलौज करने के बाद हाथापाई शुरू कर दिए। इंटेंशनली किया उन्होंने, क्योंकि उनका कोई मोटिव रहा होगा कि चेन छीनना है या कुछ पैसे ट्रांसफर कराने हैं, जो भी करना है। उसके बाद क्या किया, मेरे ही एक जो कलीग थे मेरे से 5 मिनट पहले ही वहां से मेरे साथ देखने गए थे रूम रेंट, वो आगे गए, तो मैंने उनको कॉल लगाया, मेरे हाथ से उन्होंने फोन ले लिया, लेकिन उसको कॉल जा चुका था, तो वो समझ गया कि कुछ दिक्कत है। फिर वो अपना स्टाफ स्टाफ जो भी है अपने कॉलिंग वॉलिंग किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को खींच के, मैं सोचा कि मैं भाग जाऊं मेन रोड की तरफ तो वो लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ मार्केट प्लेस होगा तो डेफिनेटली कुछ वो पीछे नहीं करेंगे, वहाँ छीनेंगे नहीं। वहाँ से फिर मैं, मेरे को वो समझ गए कि ये भागने की कोशिश कर रहा, तो वहाँ पे 15-20 लोग और थे वहाँ पे प्रेजेंट उसी फील्ड में, उसके बगल में एक फील्ड है सुहागा क्रिकेट ऐसे कुछ करके बोलते हैं, सुहागा क्रिकेट फील्ड। वहां से उन्होंने 15-20 लड़कों को बुलाया एकदम एकदम तुरंत, वो मतलब कि प्लानिंग के साथ थे कि मतलब हाँ कुछ चीना झपटी करना है। वो लोग आए फिर मुझे खींच के वहाँ पे ले गए हैं उस फील्ड के अंदर। उस फील्ड में फिर उन्होंने मारपीट किया, यहाँ पे कोई नोकीला चीज था उससे उन्होंने मारा, तो यहाँ पे पूरा 3 टाका आया है, पूरा ये ब्रूशेज है प्लस चेन का पूरा हुआ है, और पीठ पे बहुत निशान है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या, तो क्या वो लेके गए आपसे, क्या छीन के लेके गए? मेरे से चेन छीन के ले गए हैं, 30 ग्राम गोल्ड का मेरा चेन था वो लेके गए, प्लस मोबाइल तो मेरा आप देख सकते हैं ये टूटा, जो गिरने विरने में ये पूरा डैमेज हो गया। तो आपको क्या लगता है, पर्स में मेरे मेरे पर्स में पैसा नहीं था, ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज था, क्योंकि मैं कैश ज्यादा रखता नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही मैं करता हूँ ज्यादा, तो मैं कैश ज्यादा रखता नहीं हूँ, तो मेरे पर्स में पैसा था नहीं, तो उन्होंने पर्स तो क्या लगता है वो नशेड़ी है या और कुछ है? वो पिए हुए तो थे, कुछ तो लोग थे वहाँ पे जो बिल्कुल मतलब हालत में नहीं थे, ऑलमोस्ट मतलब जिसे कहते हैं बंदा नॉर्मल बंदा नहीं था वो। अराउंड टोटल मिला के वहाँ पे 20 से 25 लोग मिनिमम हो गए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग तो वहाँ के लोकल ही थे, क्योंकि वो रास्ते के बारे में हर चीज जानते थे। 20-25 लोग तो कभी भी नहीं आए, पहले 3-4 लोग थे, लेकिन वो उनको जानते थे जो फील्ड में थे, पहले से वेट कर रहे थे, और कुछ लोगों का नाम भी पता लगा है, कुछ एम्स नगर से है, कुछ रिगालिया के पास रहता है, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे वो लोग, बात ये है। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो यहाँ पे आउटसाइडर हूँ, मेरे को तो लैंग्वेज नहीं आता है कि ए जीवाना साथे पूर्णी जीवाना राव देखा हेला माते साई सबुरी हॉस्पिटल बालाकाटी भुवनेश्वर।